अफसोसनाक खबर आप तक पहुंचाएंगे। पाकिस्तान हॉकी के साबिक कोच ओलंपियन नवीद आलम इंतकाल कर गए। नवीद आलम ब्लड कैंसर के आरजे में मुब्तला थे। ये अफसोसनाक खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। 47 साल साबिक हॉकी ओलंपियन और वर्ल्ड कप 1994 की फाते हॉकी टीम के रुकन नवीद आलम ब्लड कैंसर के मरज में मुब्तला थे। उनके अहले खाना के मुताबिक साबिक हॉकी ओलंपियन के चंद रोज से तबीयत नासाज थी, जिसके बायस उन्होंने शौकत खानम मेमोरियल अस्पताल में अपने अहले खाना के हमरा चेकअप करवाया था, जहां उनमें ब्लड कैंसर की तशखीस हुई थी। डॉक्टर्स ने इलाज के लिए 40 लाख रुपए का तखमीना लगाया था और इसी सिलसिले में उनके अहले खाना ने इलाज के लिए मदद की अपील भी की थी। नवीद आलम ओलंपियन फोरम पर बहुत मुतहरक रहे हैं। इस फोरम से साबिक खिलाड़ियों और हॉकी से वाबस्ता अफराद ने उनके इलाज के लिए फंड्स भी इकट्ठे किए थे। आपको बताएं कि नवीद आलम पाकिस्तान हॉकी टीम, इसके अलावा चीन हॉकी टीम और बांग्लादेश हॉकी टीम के कोच भी रह चुके हैं। ये अफसोसनाक खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। पाकिस्तान हॉकी के साबिक कोच ओलंपियन नवीद आलम इंतकाल कर गए हैं। नवीद आलम ब्लड कैंसर के आरजे में मुब्तला थे। इसी बारे में मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे राना उस्मान। उस्मान, आगाह कीजिएगा। कंफर्म किया है कि ओलंपियन नवीद आलम जो है वो लाई से वफात पा चुके हैं। नवीद आलम ब्लड कैंसर के मर्ज में मुब्तला थे और शौकत खानम के अंदर जो है वो इलाज करवा रहे थे। 4-5 रोज से जो है वो उनको शदीद बुखार था जो नहीं टूट रहा था। कैमोथेरेपी जो है वो शुरू करवाई जा रही थी, लेकिन जो डॉक्टर जो है वो कामयाब ना हो सके और अभी थोड़ी देर पहले जो है वो नवीद आलम जो है रजाए इलाज से वफात पा गए हैं। नवीद आलम जो है वो ओलंपियन के साबिक पाकिस्तान हॉकी टीम के कोच थे और दीगर ममालिक के अंदर भी कोचिंग जो है वो नवीद आलम ने की थी। जिसम जो है उनका वो शदीद बुखार में मुब्तला रहता था, जिसकी वजह से वो आज दम तोड़ गए। बहुत शुक्रिया राना उस्मान, आपने अपडेट किया।